और फिर खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर संदेशा आया, रानी पद्मिनी से मिलने का फरमान सुनाया और धोखे से रावल रतन सिंह को बंदी बनाया। उधर महारानी पद्मिनी का शक्ति सिंहासन डोला, मजबूर सतित्व विजय स्वर में बोला, सेनापति गोरा के साथ मिलकर रतन सिंह को छुड़वाने का आदेश सुनाया, सैनिकों से सजे 700 डोलों को भिजवाया। उधर खिलजी को संदेशा पहुंचाया, रानी मलिका बनने आई है लेकिन एक फरियाद भी लगाई है, रावल रतन सिंह से एक बार मिलने की इच्छा जताई है। जैसे ही रावल रतन सिंह आए, सभी मेवाड़ी सैनिक गुर्राए, राजा को आजाद कर गोरा बादल खिलजी की सेना पर काल बनकर छाए। मगर हुआ परिणाम वही जो होना था, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह को रंच मात्र भी आंच नहीं आई। लेकिन इधर चित्तौड़ संदेशा आया, जिसे सुन घना अंधियारा छाया, खिलजी आ रहा है रानी को अपना बनाने, सुन पद्मिनी बनी माँ दुर्गा खिलजी को हराने, करी प्रतिज्ञा खिलजी की शमशीर मुझे तो क्या, मेरी लाश भी छूने ना पाएगा, किया समर्पित स्वयं को अग्नि में, जिसमें उसका अहंकार भस्म हो जाएगा। राजस्थान हमारो राजस्थान।